Okay, so now we will start exercise number 5.4. So this is exercise number 5.4 and we have the first question on board. Find the probability of following when one coin is tossed. Ek coin ko toss kiya gaya, hume probability nikalni hai. First, jo event di hai, getting a head. Second event di hai, getting a tail. Theek hai? To getting a head, hum log pehle ye consider karte hain. अगर हम लोग getting a head को event number event एक नाम दे देते हैं तो हमने इसको नाम दे दिया event capital A. तो A getting a head इसमें total outcome कितने होंगे H, क्योंकि जो coin हम toss करते हैं उसमें या तो head आता है tail आता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ head क्या है event A, so it is H. number of event A कितना हो जाएगा 1. टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल जो सैंपल्स यानी कि टोटल आउटकम क्या होते हैं जब कॉइन टॉस करते हैं, हेड और टेल ये दो आउटकम होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा 2. अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला वो क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, वेर एन ऑफ ए इज द नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स. नंबर ऑफ इवेंट इज 1, नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स है 2. तो probability of getting a head जो है वो क्या है 1/2, that is 50% probability is getting a head. Now getting a tail, यहाँ पे getting a tail को हमने event B नाम दिया है. getting a tail में कितना outcome होगा, सिर्फ एक होगा यानी कि tail. तो number of event B is 1, क्यों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ही outcome है तो 1. टोटल सैंपल्स कितने होंगे, हेड आएगा और टेल आएगा जब कॉइन टॉस करते हैं, तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो टोटल सैंपल्स हैं 2. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स कितने हैं 2. अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग अ टेल की. प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन टेल अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स, सो इट इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, यहाँ पे B जो है वो इवेंट है जहाँ पे हमको टेल चाहिए, यहाँ पे एक आउटकम है तो नंबर ऑफ इवेंट B कितना होगा 1. यहाँ पे 2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम है 2, हेड और टेल, इसलिए n ऑफ s इज 2.